दारू 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 देसी दारू। हम लेने इनमें से कुछ भी नहीं आए थे। वैसे ये सब तो हम भी खा जाते हैं घर का घर। चाहिए चाहिए। हमें केक खाने का मन कर रहा था तो हम केक लेने जा रहे हैं। सच्ची तो आज हम कहाँ हैं परनीत? आज हम ऑन द वे हैं नेदरलैंड्स के लिए। नेदरलैंड्स क्यों? कुछ स्पेशल चीज? हाँ, हमें केक खाने का मन कर रहा था तो हम केक लेने जा रहे हैं। सच्ची? नहीं। हाँ नहीं। हाँ हाँ सच में? अरे चॉकलेट केक। यम। बोल तो रहे, देखो किस्मत है मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ वो चॉकलेट केक जो हम वो हमेशा खत्म हो जाते वो जर्मनी में नहीं मिलती है, वो नेदरलैंड्स में लाइक बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में कभी कभी दिख जाती है, तो हम लोग ले लेते हैं हमेशा। बट लेट्स सी आज हमारे अच्छी किस्मत है या नहीं जो हमें मिलेगी। सो चले चलो। आज हम लोग हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं अभी नेदरलैंड्स में एक छोटे से गांव में। यहाँ पे एक सुपरमार्केट है जहाँ से हम लोग जनरली केक खरीदते हैं, इसका नाम है जंबो। इसका चॉकलेट केक बहुत ही गजब रहता है, तो चलिए आपको थोड़ा सा जंबो भी दिखा देते हैं साथ साथ। चाहिए चाहिए। बट वो चॉकलेट केक नहीं है। केक से बहुत सारे तो चॉकलेट केक नहीं है। वो हमारा वाला केक नहीं है, चॉकलेट केक भी है यहाँ पर। ये वाले केक भी बहुत अच्छे हैं। इंडिया में जो अमूल का केक आता है वो ये बहुत ज्यादा सिमिलर उससे टेस्ट करता है। नेदरलैंड्स को दी कंट्री ऑफ चीज भी कहा जाता है। नेदरलैंड्स का चीज लाइक बहुत ही अमेजिंग। एंड यहाँ पे भी अगेन चीज के सेक्शन कंटिन्यू होते हुए एंड ये बहुत ही प्यारा सा बुर्राटा रखा हुआ है। ये बिल्कुल मोज़रेला की तरह लगता है। बहुत सारे हैं ये छोटे छोटे, बिल्कुल बहुत ही दैट्स एस्ट लिम्बर्गर, इसका मतलब है रियल लिम्बर्ग। हम जिस स्टेट में है नेदरलैंड्स के, दैट्स लिम्बर्ग। सो यहाँ पर सेल है, कोई भी दो 10 यूरो का, लाइक 400 रुपए एक का। इट्स लाइक वेरी चीप। और यहाँ पर फ्रिज में डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे एंड ये एरिया ड्रिंक्स का। दारू 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 देसी दारू। देसी तो नहीं है कोई भी। देसी भी देसी सब दारू है। यहाँ पे ड्रॉप्स, कैंडल्स, पानी देने वाला भी अच्छा, फ्लावर्स, अगर आपको किसी को फ्लावर्स देने हैं तो। लगा है वीक का डिस्काउंट्स बहुत सारी चीज़ों पे। मेकअप ऑर्गेनाइजर, डोई कवर्स एंड बहुत सारे बच्चों के स्लीपर्स एंड रेड बुल का 8 का पैक।
चेयर्स भी, वो वाटर गन्स भी है। यहाँ पे पेंटिंग और आर्ट के लिए जो भी चीजें चाहिए सब है यहाँ पे। किसी को स्वेटर बुनना है तो, और सारी आर्ट की चीजें हैं बेसिकली, आर्ट सप्लाईज। इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफी कुछ मिल जाएगा आपको डेली यूज के, योर फोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, वायरलेस हेडफोन्स भी हैं, माउस, गेमिंग पैड्स। और यहाँ पर सारे ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस एक्सेसरीज, ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कुछ कुछ छोटे मोटे फाइल्स एंड फोल्डर्स, स्टिकी नोट्स एंड थोड़ी स्टेशनरीज। काफ़ी सारे अच्छे फ़ोटो फ्रेम्स भी हैं। और एक्शन का अच्छा बात यह है कि यहाँ पे दाम बहुत ही किफ़ायती होते हैं, तो आपको सही वैल्यू का सामान यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ब्लैंकेट्स भी है यहाँ पे, यहाँ के ब्लैंकेट्स बहुत ही ज़्यादा मशीन एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत पतले होते हैं बट बहुत ही गर्म करते हैं, सॉफ्ट है, हाँ मटेरियल उनका बहुत अच्छा है। 3-4 यूरो में आपको कुशन भी मिल जाएंगे, कुशन कवर्स भी मिल जाएंगे। और ये देखिए मैट्स भी हैं, ये सब 20 यूरो के आसपास के हैं, जूट के, छोटा वाला 10 का है। और यहाँ पे फर नकली फर है जो आप डेकोरेशन के लिए अपने सोफे पर या एज अ मैट यूज़ कर सकते हैं। 30 यूरो का कारपेट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, कलर इसका इतना सुंदर है। आपको पार्टी के लिए पेपर प्लेट्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे, स्ट्रॉज, कप्स, बैम्बू की प्लेट्स, कटोरियाँ। और यहाँ पे बिन्स और गार्बेज डिस्पोजल का सारा सामान भी आपको मिल जाएगा। अब क्लीनिंग आयल, यहाँ पे सारे तरह के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, हाथ साफ करने के लिए, ऑयल हटाने के लिए, ग्रीस हटाने के लिए, अवन साफ करने के लिए। आजकल का टिकटॉक वायरल पिंक स्टफ भी है यहाँ पे, सिर्फ 2 यूरो का पिंक स्टफ। ये दिस इज पिंक स्टफ मल्टीपर्पज क्लीनर, एक पिंक स्टफ पेस्ट आता है, पेस्ट, ओ पेस्ट यहाँ पे ट्राई कीजिए, पता है कि बहुत सही है। किचन में यूज़ होने वाले भी सारे सामान यहाँ पे मिलेंगे, पॉट्स, पैन्स, कड़ची, चम्मच, प्लेटिंग के लिए भी काफ़ी कुछ यहाँ पे। और ये रहा कटलरी, प्लेन कटलरी से लेकर ऐसे मस्त प्रिंटेड वाले, वाओ बहुत सही यहाँ पे मिल जाते हैं। फ्लेमिंगो भी है इसमें तो एलिगेंट वाइन ग्लासेस। ये लोग एयर फ्रायर्स और ऐसे किचन की इक्विपमेंट भी रखते हैं, वाटर कुकर्स, जूसर्स, ब्लेंडर्स। सस्ते सस्ते दामों में जूते चप्पल भी मिल जाते हैं, बेल्ट, एक्सेसरीज, घड़ियाँ। बच्चों के लिए भी है यहाँ पे सनग्लासेस, समर आ रहा है, टोपियाँ, समर में बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। क्या है ये तकिया 6 यूरो का, ये सब तकिए हैं यहाँ पे, 6 यूरो से 22-23 यूरो तक के भी हैं। सारे गार्डन के पॉट्स, पैन्स, और ये एनिमल्स के खाने के लिए चीज़ें भी, और उनके खेलने के लिए भी।
यहाँ आपको बच्चों के खेलने की चीजें भी मिल जाएंगी। ढेर सारे पजल्स, जेंगा ब्लॉक्स। दो तीन चार पाँच छः रोज़ की सारी सजाने की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ऑफ कोर्स कैंडल्स तो होनी ही है। कई सारी तरह की ड्रिंक्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, हेल्दी से लेकर अनहेल्दी तक। कॉफ़ी बीन्स भी हैं एंड बच्चों के लिए चॉकलेट्स कैसे नहीं होगा। वैसे ये सब तो हम भी खा जाते हैं घर का घर। एक्शन इज लाइक बहुत सारी चीज़ों के लिए वन स्टॉप शॉप। यस, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं। और ये टीनेजर्स के लिए निकनैक्स, चुजुटे, डेंटी ज्वेलरीज बहुत ही प्यारे प्यारे सेट्स। इसमें से तो इयर रिंग्स लेके मैंने भी पहने कई बार। सारी कुकीज एंड चॉकलेट्स, मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है। वाइट टोब्लेरोन, इसका अगर कोई स्टिकर वेकर निकाल के रख दे तो ये तो लगे कि ये शैम्पेन का बॉटल है और हम पी जाएं इसको। थैंक गॉड लेबल्ड है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। काइंड ऑफ मास्क, चारकोल स्ट्रिप्स, टिश्यूज, फुट मास्क, फेस मास्क, हर तरह का मास्क, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्लेंडर्स, मिरर्स, एंड ऑफ कोर्स छोटे मोटे मेकअप का सामान। इसमें गार्डन में क्यूट सी चीज़ें सजाने के लिए भी बहुत कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे डेकोर। यह इंसेक्ट हाउस है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर घर में इसको बाहर लगाते हैं ताकि इंसेक्ट्स को प्रमोट किया जाए। यू नो दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द पॉलिनेशन एंड हेंस आवर फूड एंड ऑल द गार्डन सप्लाइज। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे लैम्प्स और घड़ियाँ भी यहाँ पे हैं, काफ़ी किफ़ायती दामों में, 6 यूरो, 2 यूरो, 7-8 यूरो के लैम्प्स। ये हैंगिंग मिरर देखिए, 10 यूरो का, बड़ी सी गाड़ी। आपको घर में पेंटिंग वगैरह करनी है, कुछ रिपेयर्स करने हैं, वॉलपेपर्स लगाने हैं, आप हर चीज़ के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। ये जो साइड टेबल है इसमें रियल मार्बल है और ये सिर्फ 20 यूरो का है। वाओ, और भी कई डिफरेंट तरह के टेबल टॉप्स, सब वैसे ही 20 यूरो के नीचे के ही हैं। छोटे सेंटर टेबल्स की तरह भी यूज़ किए जा सकते हैं इनको। कुशन पैडेड ज्वेलरी बॉक्स, साइड मिरर्स, बहुत ही सुंदर। कोई लोग आ सकता है इनमें से? कलर सोचो कौन सा। ब्लैक, कोको ब्लैक। ब्लैक गाते बजाते बंदरों को देखिए। हमारी तो शॉपिंग हो गई पूरी। बाय द वे, हम लेने इनमें से कुछ भी नहीं आए थे।
आई थिंक हमें सिर्फ ये चाहिए था क्योंकि खत्म हो गया था घर पे। और हाँ, गार्बेज पॉलिथिन की, बाकी सब बस ले लिया है। पेड़ तो बहुत ही सुंदर, तो बहुत कोशिश की हमने बट हमें केक तो नहीं मिला उस दुकान में, तो हम बाकी कुछ चीज़ें खरीद कर वापस आ गए और अभी जा रहे हैं दूसरी दुकान, वेल उसी जंबो का दूसरा ब्रांच, शायद वहाँ केक मिल जाए, बट केक तो आज खा के रहेंगे। जंबो वालों, अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज अपने सारे के सारे आउटलेट्स में वो केक, वो चॉकलेट केक। ऐसा हम देखे बहुत बार होता है, जिस दिन खाने का मन करता है उस दिन वो केक मिलता ही नहीं है कहीं पे। नहीं, बट ऐसा भी है कि हमें जब भी मिलता है वो केक, हम हमेशा वो केक उठा लेते हैं। यूजुअली जिसके बर्थडे पे जाते हैं हर उस वक्त मिल जाता है, मुझे लगता है हर सुबह ये आता है ये केक, हर सुबह निकल भी जाता है। हाँ, काफी जल्दी खत्म हो जाता है, काफी हॉट सेलिंग है, आई गेस इसलिए हमें कई बार नहीं मिलता, बट देखते हैं, वी आर होपफुल कि इस दुकान में मिल जाएगा। तो चले वापस मिशन केक सर्च पर टू जंबो। कहाँ है, अरे यार लगता है यहाँ पे भी नहीं है। शिट, अरे ये रहा वो चॉकलेट केक, हाय इसकी तो बात ही निराली है। आज मिलेगा खाने को ऑसम टेस्टी वाला केक, ये अभी आशिदा को जाके बोलते हैं कि हमें नहीं मिला केक। नहीं मिला, दूसरा जंबो जाया जाए, तीसरा अभी रहने दो, कभी और आएंगे फिर रहने दो। बना दें चॉकलेट केक? नहीं, रहने दो, आ जाओ। श्योर? ये लो बिल, दे देना हमको। आशिता पूरी खुश, घर जाके दबा के केक खाएगी, है ना आशिता, दबा के खाओगी ना केक? हमको एक पीस दे देना। अब तो मैं किसी को नहीं दूंगा। अच्छा, गाड़ी का चाबी। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। अब मैं इसको कभी किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगा। Joy doesn't share food. हम तो खा लेंगे जब तुम सो जाओगी तो। मेरे सोते भी बचना चाहिए।